तो फाइनली दोस्तों अभी आपके सामने आ चुका है KTM Duke 200 का ही एक न्यू मॉडल। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको जो हेडलाइट वाला सेटअप देखने को मिल रहा है, तो ये KTM Duke 390 के जैसा कुछ देखने में लग रहा है। और वीडियो को आगे पूरा देखते रहना क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम लोग इसी न्यू मॉडल के ही बारे में जानने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि ये न्यू हेडलाइट के साथ ये जो मॉडल है तो ये किस तरीके का दिखता है। बाकी ये वाले वीडियो क्लिप्स का जो क्रेडिट है ना, तो वो MRT ब्लॉग्स को जाता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों देख ही सकते होंगे फाइनली आपके सामने मौजूद है KTM Duke 390 के ही एक लुक के जैसा दिखने वाला KTM Duke 200 का ही एक न्यू मॉडल। और जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि ये जो KTM Duke 390 के जैसा कुछ दिखने वाला ये जो KTM Duke 200 का ये लुक है ना, तो ये सच में ही भाई मैं अगर बताऊं मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो ये Duke 200 के ये नाम के साथ ये न्यू फेस जो है तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन तो लग ही रहा है। बाकी तो भाई ये जो हेडलाइट का सेटअप है ना, तो ये पूरे तरीके से एलईडी के अंदर अंदर है, जैसे ये इससे पहले भी आपने देखा होगा KTM Duke 250 के भी अंदर। और देखो दोस्तों ये जो KTM का ये जो बाइक के साथ, मतलब ये Duke 200 वाले बाइक के साथ ये जो हेडलाइट वाला सेटअप का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, तो ये सच में ही मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है कि आप सभी लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद भी आया होगा ये KTM Duke 200 के ही अंदर ये न्यू फेस KTM का। लेकिन हां, उसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल के अंदर अगर सच बताऊं तो उतना कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं है ये लुक के अलावा। मतलब कि देखो दोस्तों पहले की तरह ही जो ये स्टिकरिंग्स और जो ये कलर्स था ना, तो वही कुछ दिया गया है। मतलब जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो एक मैट फिनिश के अंदर जो सिल्वर कलर के ही साथ साथ जो ऑरेंज कलर का जो के टच है ना, तो यही कुछ दिया गया है भाई, उसके ही साथ साथ देख ही सकते होंगे। इसके अलावा ऐसा कुछ भी चेंजेस हुए ही नहीं है। बाकी स्टिकरिंग्स जो है तो वो भी पहले की तरह ही है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक का भी जो टैंक के ऊपर जो ब्लैक कलर जो ग्लॉसी वाला था पहले वाला, तो वही वाला जो कलर है तो वही अभी भी है। जैसे कि देख ही सकते होंगे भाई कुछ भी ऐसा चेंजेस हुआ नहीं है। और ऊपर से भाई मीटर कंसोल जो है ना, तो वो बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि मीटर कंसोल में भी कुछ बदलाव किया जाएगा, लेकिन भाई मीटर कंसोल में भी कोई बदलाव ऐसा हुआ ही नहीं भाई। पहले के तरह ही जो मीटर कंसोल था तो वही कुछ रखा है। और वैसे दोस्तों अभी के डेट में कुछ यही कहा जा रहा है कि बजाज कंपनी जो है ना, तो वो कहीं ना कहीं ये वाले बाइक के अंदर ये न्यू फेस देकर जो इसका सेल है तो उसको मतलब फ्यूचर प्रूफ जो है तो वो कर दिया है। मतलब इसका जो सेल है ना, तो वो फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाला है अभी, मतलब ये न्यू लुक को देखकर। मतलब बजाज वालों का जो स्ट्रेटजी है ना सेल का, तो वो कुछ इस तरीके का है। बाकी भाई हाँ, ये वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलता है ना, तो वो अभी रेट में कह सकते हो कि न्यू इंजन है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई ये जो इंजन है तो ये BS6 फेस 2 वाला इंजन है, तो इसी वजह से भाई इमिशन नॉर्म्स भाई चेंज हुआ है, तो इसी वजह से भाई ये तो एक न्यू इंजन होगा ही ना, तो जो भी है। लेकिन हाँ भाई, ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 25 bhp। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 19.3 Nm। बाकी तो भाई 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ साथ ये जो इंजन है ना, तो ये एक 200 cc वाला इंजन है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल वाला और DOHC 4 बल्ब वाला। और इसके अलावा देखो गाइस, इस वाले बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, तो वो आपको देखने को मिलता है डिस्क ब्रेक के ही साथ साथ जो 12 चैनल ABS का जो सपोर्ट के साथ है, तो वो ही। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो देखो ऐसा कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं है, तो इसी वजह से भाई ये हेडलाइट और मीटर कंसोल और बाकी सारा कुछ जो चीजें है वो बोल के भाई वीडियो को फालतू में लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज।